इंसिडेंट्स हर किसी की जिंदगी में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी फट जाएगी। तो आज हम सच्ची घटनाओं पर आधारित पांच ऐसे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानेंगे जिन्हें देखकर आपकी क्या हालत होने वाली वो तो आप खुद ही जान सकते हो। और सभी डॉक्यूमेंट्री आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर वन पे जो डॉक्यूमेंट्री निकल के आती है वो है हाउस ऑफ सीक्रेट द बुरारी दैट्स। 7.4 IMDb के साथ ये नेटफ्लिक्स की एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री सीरीज है और ये बेस्ड है दिल्ली के बुरारी डेथ केस पे। जब दिल्ली के बुरारी में एक परिवार के 11 लोगों ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उस समय का ये इंसिडेंट लोगों को अंदर से हिला के रख दिया और ये आज तक सॉल्व नहीं किया गया। बस इसमें थ्योरी लगाई गई है कि ये किसी अंधविश्वास या भूत प्रेत की वजह से हुआ है। और इस नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में पुलिस वेरिफिकेशन के साथ सारी डिटेल एकदम क्लियर तरीके से दिखाई गई है। साथ ही इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जिस तरह इसको दिखाया गया है वो तो सच में आपकी हालत खराब कर देगा। और मेरा रिकमेंडेड यही है कि जो लोग भूत प्रेत में यकीन करते हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा दूर रहे। आखिर 3 जनरेशन एक साथ सुसाइड कैसे कर सकते हैं और 11 लोगों का मर्डर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Obviously. इसके बाद लिस्ट में नंबर 2 पे जो डॉक्यूमेंट्री निकल के आती है वो है ट्रस्ट नो वन द हंट फॉर द क्रिप्टो किंग। इसको IMDb पे 10 में से 6.3 की रेटिंग मिली और ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज एक चेतावनी देती है कि बिना सोचे समझे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। ये 7 फरवरी 2019 का केस है जिसमें एक क्रिप्टो के CEO की मौत इंडिया के जयपुर हॉस्पिटल में हो जाती है। फिर उसके बाद 1,000 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी वहां से गायब हो जाती है। तभी कई क्रिप्टो यूजर्स एक ही पल में बर्बाद हो जाते हैं और ये कोई बहुत बड़ी साजिश है या एक इंसिडेंट, ये सब एक हैकर पुलिस वेरिफिकेशन और उन यूजर के जरिए दिखाया गया। और अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर करने वाली है। तो इसको जाकर एक बार जरूर ट्राई करना। अपनी मौत के साथ ही सारे पासवर्ड्स भी ले गए और इसका मतलब है ग्राहकों की $190 मिलियन की पूंजी अटकी हुई है जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता। इसके बाद लिस्ट में नंबर 3 पर जो डॉक्यूमेंट्री निकल के आती है वो है साइबर हेल एक्सपोजिंग एन इंटरनेट हॉरर। ये एक साउथ कोरियन डॉक्यूमेंट्री सीरीज है और इसको IMDb पे 10 में से 6.5 की रेटिंग मिली है। और ये सीरीज बेस्ड है बहुत बड़े हैकर और स्कैमर की जो सिर्फ अपने फायदे के लिए कई लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। और ये कोई छोटा मोटा ब्लैकमेलर नहीं बल्कि डार्क वेब का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज था जिसके कई लोग पकड़े गए थे। और इस ब्लैकमेलिंग ने कितने ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया और कितनों की तो प्राइवेसी ही पूरी तरह से खत्म कर दी। और ये डॉक्यूमेंट्री ऐसे ब्लैकमेलर से सिक्योर रहने के लिए आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाए गए। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। इसके बाद लिस्ट में नंबर 4 पे जो डॉक्यूमेंट्री निकल के आती है उसका नाम है डीबी कूपर। टाइम ट्रैवल में इंटरेस्ट रखने वाले डीबी कूपर का नाम जरूर जान दोगे। ये 1971 की आज तक की सबसे मिस्टीरियस इंसिडेंट है जिसको अब लोगों ने एक टाइम ट्रैवल के नाम से भी जोड़ने लगे हैं। लोगों का मानना है कि डीबी कूपर नाम का एक ऐसा बंदा था जिसने एक प्लेन को हाईजैक करके $2,00,000 की मांग की थी और उसके बाद वो प्लेन से कूद गया, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कौन था और कहां गया। और कई लोगों का मानना है कि वो एक टाइम ट्रैवलर था जो प्लेन से कूदने के बाद अपने समय में वापस चला गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के जरिए दिखाया गया है। और आप भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते तो इस सीरीज से आपको काफी हेल्प मिलेगी। हकीकत पर ध्यान रखना, ये केस हमारे जमीन पर ही सवाल उठाने। $2,00,000 और 4 पैराशूट मांगे। जब उसकी मांगे पूरी हुई तो वो रात के अंधेरे में विमान से कूद गया, इससे धमाकेदार बात क्या होगी। इसके बाद वीडियो की लास्ट और नंबर 5 पे जो डॉक्यूमेंट्री निकल के आती है उसका नाम है द ग्रेट हैक। द ग्रेट हैक फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल के बारे में 2019 की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इसको IMDb पे 10 में से 7 की रेटिंग मिली है। साल 2010 में लाखों फेसबुक यूजर से रिलेटेड पर्सनल डेटा ब्रिटिश कंसल्टिंग फॉर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका के जरिए बिना किसी से पूछे इकट्ठा किया जा रहा था और उसे पॉलिटिक्स एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये डेटा दिस इज योर डिजिटल लाइफ ऐप के जरिए इकट्ठा किया जा रहा था और ये स्कैम काफी ज्यादा बड़ा था जिसको इस नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाया गया है। और सोशल साइट्स पे आपको भी अपने पर्सनल डेटा को सिक्योर करना तो इसको एक बार जाकर जरूर ट्राई करना। Have now been weaponized. It's impossible. Credit card swipes, web searches, locations, likes. They're all collected in real time into a $1 trillion a year industry.
तो हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी और सीरीज के साथ लेटेस्ट मूवी रिव्यू और मूवी फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में। गुड बाय।